टेक्निकल ड्राइंग में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग ये सब आइसोमेट्रिक में कर रहे हैं, मुंबई यूनिवर्सिटी का है। अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट में फ्रंट व्यू टॉप व्यू दिया हुआ है आपको। अगर आप ध्यान से देखेंगे, पहले बॉक्स बनाते हैं, लेकिन कौन से साइड लेंथ लेना है, विड्थ लेना है वो हमें पता नहीं। अगर हम लोग यहाँ से देखें तो एक साइड पे हाइट 30 है और एक साइड पे हाइट 60 है। देखो तो ओरिजिन कहाँ ले, लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे? तो हमेशा ओरिजिन वहाँ से लेते हैं जहाँ से हमें मैक्सिमम दिखे। तो अगर मैं यहाँ पे ओरिजिन लूँगा तो मुझे मैक्सिमम व्यू मिलेगा देखने के लिए। तो हमेशा याद रखो, जहाँ से भी हाइट छोटी होगी और जहाँ से व्यू मैक्सिमम मिलेगा वहाँ पे ओरिजिन लेंगे। अभी लेंथ देख लेते हैं, 50, 15, 25, 20। तो उसका हुआ 70 + 40, 110। हाइट उसका हुआ 60 और विड्थ भी 60 है, तो वो लेफ्ट साइड पे मार्क करेंगे। तो आई होप सबको समझ में आया कि मैंने ओरिजिन लेफ्ट साइड पे क्यों लिया, बिकॉज वहाँ से मुझे मैक्सिमम व्यू मिल रहा है। और अभी मैं बॉक्स बना दूंगा। ये बॉक्स 30-30 डिग्री पे बनेगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ पे दो पार्ट है, पार्ट वन पार्ट टू। सो जो पार्ट वन है वो कहाँ पे, यहाँ पे टॉप व्यू में, और जो पार्ट टू है वो पीछे है। सो पार्ट वन एंड टू, सो हम लोग जब ऑब्जर्वर यहाँ से देखेगा तो उसको कौन सा पार्ट पहले देखेगा, पार्ट वन। सो हम लोग वो बनाएंगे पार्ट वन। ये देखो ये एल शेप, ये समझा, इतना ये हो गया। ये बनाने के बाद मतलब ये इतना बन गया। अभी ये टी वाला पोर्शन बनाएंगे, उसके साथ कनेक्टेड है। ये कितना अंदर जा रहा है, 20। तो यहाँ से 20 अंदर जाएंगे। ये देखो ये अंदर गए, अभी यहाँ से वापस 25, क्योंकि वो दिया हुआ है। तो हम लोग 25 अंदर लेंगे। उसके बाद ये देखो ये कितना है, 15। तो यहाँ से देखो, यहाँ से 15 लेंगे और वर्टिकल लाइन बनाएंगे, लेकिन वो एकदम लाइट बनाएंगे। अभी ये पॉइंट ढूंढना है, इसका हाइट कितना है, 10। टोटल हाइट 60 है, नीचे से 20 + 10, 30। तो इसको पहले नीचे ले लेंगे 40, क्योंकि 60 - 20, 40। ये पार्ट देखो, ये वाला पार्ट वो बनाया, और यहाँ से पूरा लाइन ऐसे। अभी हाइट कितना है, 10। तो वो 10 लिया और उसको अंदर लेके गए 50 से। ये देखो, तो जहाँ पे भी अंदर मीट होगा, ये देखो यहाँ तक गया, अब इसको ज्वाइन कर दो, तो आपको ये पार्ट टू मिल गया। अभी याद रखो ये 50 है, जो आगे है वो पीछे है। कितना पीछे है, 20। ये देखो 20, 20, 20, और ये टी शेप बनेगा। देखो ये ऐसा ऊपर वाला पूरा टी शेप, ये जो है ना टी शेप, वो पूरा बन गया। को नीचे, और इसका भी लाइन देखो, ये थोड़ा ऊपर आएगा, ये मैं रफ बना रहा हूँ इसलिए ऐसा है। आप जब फेयर बनाएंगे आपको अच्छी तरह से आइडिया आएगा। ये देखो ये पार्ट बन गया, अब अपना पूरा आइसोमेट्रिक हो गया। अभी आपको देखना है तो ये देखो पार्ट वन कहाँ पे है,
ये जो था पार्ट वन वो यहाँ पे है, पार्ट टू ऊपर है, जो अंदर है कितना अंदर है 20। उसके बाद वापस ये हाइट 10, 50, बाद में ये 25, और उसको स्लोप ज्वाइन करते हैं हम लोग। और याद रखो जो आगे है वो पीछे भी है, कितना पीछे है 20, तो ये 20 पीछे लगे पूरा स्लोप और डिट्टो सेम ऐसे बना देंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये सम समझ में आया। अगला सम लेके मैं जल्दी लौटूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।